बैलेट पेपर पे वृद्ध आदमी लोग को वोट देने की सुविधा थी। हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग की तरफ दिया गया, लेकिन इस साइड में ऐसी सुविधा क्यों नहीं? तो क्या लग रहा है वैसे, नाम क्यों कटा जा रहा है, क्या मुद्दे? षड्यंत्र है इधर, हम मैं बता देता हूँ आपको, नाम काटने के पीछे बहुत खेल है। बीच जब ऐसे बोलोगे शांत रहो, शांत रहो, अरे लो ऐसे बोलो, जब बोलो वन अपनी बात बोलोगे ना, हमें इन्हीं से पूछ लो, एक सबसे बात बोलो यार, बोलने का सभ्यता सीखो कि जबरी ऐसे बोलाओगे। देखिए ये इन लोग की है, फालतू क्या है, लोकतंत्र है, फालतू है। देखिए महाराज सच्चाई बात बोलना, अपोजिट के यार लोग खड़े हैं, कोई बोल नहीं पाता, हमने हिम्मत किया बोलने का। अंकल जी मेरे कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे पहले क्या था, दर्शन पूजा करने को मिलता था, अब क्या है भैया, दर्शन पूजा नहीं, वहाँ पर ढकेल के भगाया जा रहा है, जबरदस्ती कोई बात ना करे। और रही बात विकास, विकास पूरे बनारस में दिख रहा है, अब इनके आँख में काला पट्टी पड़ा है तो बात अलग है। 6 घंटा लाइन में खड़े रहिए और ये 300 रुपये दे के 5 मिनट में दर्शन करके चले जाएंगे, इनके लिए ठीक है। पहले विरल आज विरल, नहीं रोड रोड पहले भी था। 7वें चरण का मतदान हो रहा है, अंतिम चरण का मतदान है, बनारस में है और एक गदौलिया है। गदौलिया ये पीछे हमारे देख सकते हैं विश्वनाथ मंदिर है थोड़ी दूर जाने पे, और यहाँ पर ये धर्मशाला है, हर सुंदरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित हर सुंदरी धर्मशाला, जहाँ पे वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। और यहाँ पर वाराणसी कैंट की ये सीट है, वाराणसी कैंट से बीजेपी से सौरभ श्रीवास्तव खड़े हैं, और सपा से पूजा यादव, और बसपा से कौशिक कुमार पांडे एडवोकेट हैं, कांग्रेस से राजेश मिश्रा हैं। तो इस तरीके से जो कैंडिडेट हैं और उसके वो लेकर के यहाँ वोटिंग जो हो रही है, जानते हैं यहाँ से क्या रुझान है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर वोट डालने जो भी आ रहे हैं या जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या रहा आपका मुद्दे, क्या रहे जिस पे आप लोग बात करिए सर? ऐसा है, काम आएगा सर, ये बाबा पिताजी हैं 90 ईयर्स के हैं और मैं ब्लाइंड हूँ, मैं प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय महेशपुर में पोस्टेड हूँ। क्या रहे आप लोगों के मुद्दे जिस पे आप लोगों ने वोट किया है? बहुत बढ़िया मुद्दे, तो सर मीडिया वालों को क्या अभी बताया जा सकता है। नहीं फिर भी मुद्दे सबके अपने अपने हैं, यहाँ पे क्या मुद्दा है आपके लिए? नहीं बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, कार्य अच्छा हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी महंगाई ये सब मुद्दा नहीं है, ऐसा हम लोगों को तो नहीं लगता है। सब चीजें अपनी जगह है, बस हम लोग मोदी समर्थक हैं। जय मोदी, हर हर मोदी। इसका खेद है हमको, हमारा भी नाम कट गया। ये ब्लाइंड है, ये भी मेरा जैसे वोटर कार्ड होते हुए भी लिस्ट में नाम नहीं है, इसका खेद है हम लोगों को। ये समस्या हर जगह अलग अलग आ रही है कि वोटर आईडी कार्ड है लेकिन नाम नहीं है, कहीं जनता वोट देने के लिए आतुर है लेकिन वोट ही नहीं दे पा रही है। 7 साल हो गया शादी हुए, आज तक इनका वोटर आईडी नहीं बन पाया, कितनी बार मैं यहाँ आ करके बोली लेकिन यहाँ हो नहीं पा रहा है। मैंने वोट नहीं दिया। आपने वोट नहीं दिया? बहुत दुख है मुझे इस बात का। आपने भी वोट नहीं दिया? नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है, सिर्फ आपका ही है वोट। ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। दो दो चार छह लोग हैं लेकिन 3 लोग वोट कर पाए, 4 लोग कर पाए, और 90 वर्ष की उम्र में आया हूँ मैं आज पहली दफे। तो हमेशा आप ये जो है? कभी नहीं दिया, आज पहली दफे, पहली बार दिया, पहली बार जिंदगी में पहली दफे आया हूँ वोट देने। 90 वर्ष का हो गया, कितनी बार वोटिंग हुई होगी, मैं पहली दफे आया। ऐसा क्यों आप, मतलब पहली बार हो गई कि इसीलिए? बैलेट पेपर पे वृद्ध आदमी लोग को वोट देने की सुविधा थी, हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग की तरफ दिया गया, लेकिन इस साइड में ऐसी सुविधा क्यों नहीं? बैलेट पेपर पे विकलांग और वृद्ध आदमी को वोट देने की सुविधा थी घर आकर के, लेकिन इनका वोट लेने के लिए कोई घर नहीं आया, ऐसा क्यों? ठीक है, चुनाव आयोग से शिकायत है। हाँ ठीक है, आप लोगों ने वोट कर दिया? वोट अभी करने जा रहे हैं। नाम गायब है भैया, नाम गायब। हाँ बहुत ढेरों नाम गायब, ऐसा दिक्कत आ रही है। मेरा सब, मेरा खुद ही नाम गायब है इस बार वोटिंग लिस्ट से। है सरकार का इस बार खुद बहुत नाम गायब है, चुन चुन करके विरोधी के वोट हटाना है, नाम हटाना। कैसे गायब हो सकता है? पिछले बार नाम गायब, हर बार वोट देते हैं, नगर निगम में है, लोकसभा में है, विधानसभा में हर बार वोट देते हैं, नाम कैसे गायब हो जाएगा? कर्मचारी हैं। हाँ तो क्या लग रहा है वैसे, नाम क्यों कटा जा रहा है, क्या मुद्दे? षड्यंत्र है इधर, हम मैं बता देता हूँ आपको, नाम काटने के पीछे बहुत खेल है। जो इनको लगा कि कुछ नाम गायब करने चाहिए, इन्होंने गायब किए, चुन चुन के नाम गायब किए, और हर विधानसभा क्षेत्र की यही स्थिति है, केवल ये कैंट या दक्षिणी उत्तरी की नहीं है, आप पता कर दो, हर विधानसभा की नाम गायब है, वोटर लिस्ट से बहुत नाम गायब है, ये आप जान दो। कितने लोग हैं ऐसे लोग? अब आप खोजो, हमारे, मैं तो बता रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा गायब है, कहाँ गया नाम,
कैसे चला जाता है, क्या वोट देते तो किस मुद्दे पे देते? नहीं, मैं महंगाई के मुद्दे पे देता जनरली, जो जिससे मेरी जिंदगी रोज जिंदगी जो मेरी रोज रूबरू होते हैं, जिससे मुझसे देंगे वोट, हम महंगाई पे देते हैं, बेरोजगारी पे देते हैं, इसी पे देते हैं हम, यही हमारी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत आज है महंगाई बेरोजगारी। आपके बगल में विश्वनाथ कॉरिडोर है, वो सब बन रहा है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा है? नहीं नहीं, कॉरिडोर नहीं, सुनो, कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ की पहचान नहीं है, बाबा अपने आप में पहचान है। कॉरिडोर बनने में जो 70 मंदिरें तोड़े गए, देव विग्रहों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, उसका जवाब कौन देगा? वो मुद्दा नहीं है बनारस के लिए, वो मुद्दा है कि नहीं आप बताएं ना, आप तो मीडिया से, आप बता दो कि अगर मंदिर तो कॉरिडोर बनाने में आपने 70 मंदिर तोड़ डाले, शनि भगवान के पैर तोड़ दिए, अच्छे भट्ट हनुमान जी को उखाड़ फेंका, कहाँ है वो देव विग्रह आज? घूमिए कॉरिडोर घूमिए, अभी है, लोगों को लगता है कि मतलब ये इसका असर है, मतलब किसका, किस चीज का? जो आपने कह दिया मंदिर तोड़ दिए गए, छोटे छोटे मंदिर, अब वो लोग जाने बनारस के क्यों नहीं खड़े होंगे? बनारस जाने का आज, अगर जो नहीं खड़े होंगे वो कल भुगतेंगे, जो आज नहीं खड़े होंगे इसके खिलाफ, जो सनातनी नहीं खड़े होंगे वो कल भुगतेंगे। जान दे जी, नहीं हमारी हमारी भैया पीछे लगा दो। हाँ, आपने वोटिंग कर दी जी, क्या रहे आपके मुद्दे? आपके लिए मुद्दे तो विकास का ही है, उसी पे वोट देना है, और कई लोगों के अपने मत हैं, लेकिन जब पिछड़े राज्य को जब उत्तर प्रदेश गिना जाता था, अब उस पिछड़ेपन को अगर हमें आगे लाना है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए, सिंगल इंजन से वो भार संभलेगा नहीं। सरकार 5 साल रही लेकिन कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं उससे। देखिए, सबके अपने मत है, हर कोई आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक, सबके अपने विचार रखने के स्वतंत्र वो हैं, लेकिन अगर हमारे हिसाब से बात करें, काशी क्षेत्र की बात करें, अपने विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी की बात करें, तो शायद आप हमसे बेहतर जानते होंगे कि आप अगर यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि विकास आपको की बाजार दिख रही है कि नहीं दिख रही। रही बात महंगाई की, कई लोगों को महंगाई का मुद्दा उठाया है, तो ये ना भूलें कि सारे सरकारी कर्मचारी और कोई उनका महंगाई भत्ता भी सरकार ने बढ़ाया है। अगर रही बात विकास की, तो विकास में हम उनको ये बताना चाहेंगे, चाहे आज काशी कॉरिडोर हो, चाहे अपना यहाँ पे अस्पतालों का जो जाल बिछाया है सरकार ने, एम्स का दर्जा मिला, कैंसर हॉस्पिटल बना, यहाँ पे हमने जो वाटर वेज का जो काम शुरू हुआ है, ये सारे चीज़ वो मुद्दे हैं जो पहले कभी छोड़े। तमाम चीज़ हुए लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए कई चीज़ें। और बाकी ये है कि जो आपने मंदिर का जिक्र किया, उसमें ये कहा जा रहा है छोटे छोटे मंदिरों को काफ़ी तोड़ दिया गया, उस वजह से भी नहीं। देखिए, क्या है कि अब जो भी प्लान बनता है सरकार का, उसमें एक वृहद रूप स्वरूप देने के लिए कुछ छोटी बहुत चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको आड़े आना पड़ता है, बट आप मानसिकता अगर सरकार की देते हैं तो मानसिकता में कमी नहीं है। भारत सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, राज्य सरकार हो, या संविधान भी हो, तो वो ये देखता है कि आपके करने के पीछे कार्य की मंशा क्या है। मंशा हमारी जो विलुप्त हो गई संस्कृति थी, उस संस्कृति को जगाने की मंशा है सरकार की, उस संस्कृति के संरक्षण की मंशा है, उसका प्रचार प्रसार की मंशा है। आज विश्व पटल पे उत्तर प्रदेश का तो नाम हो ही रहा है, लेकिन काशी जो है आज एक इसका केंद्र बिंदु बन चुका है, और इस केंद्र बिंदु को हमारे जैसे काशी के नागरिक ही आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार अकेले कुछ नहीं करेगी, अगर हम उनका हाथ मजबूत करेंगे तो ही वो हमको 4 सुविधा और हमारे आगे बढ़ाने के चक्कर। आपसे जान लेते हैं, आप महिला भी हैं, क्या कुछ लगता है कि बताया तो वही मुद्दे हैं आपके लिए? नहीं, काफी विकास हुआ है भाजपा के समय में, बनारस तो एकदम बदल गया है। लेकिन कैंड के जो प्रत्याशी हैं वो तो हमेशा ही जीतते रहते हैं, इतने साल हो गए आप लोग जिताते रहते हैं। हाँ हाँ, जीतते हैं क्योंकि बनारस तो एकदम बदल गया, विकास तो बहुत किया मोदी ने। अब किसी को ना दिखाई दे तो उसके लिए बात ही अलग है, विकास तो बहुत हुआ है। आपने वोटिंग कर दी जी? अभी नहीं, करेंगे करेंगे। क्या मुद्दे रहे आपके लिए? हम तो परिवर्तन चाहते हैं महाराज, हम परिवर्तन के संग हैं। जैसे आप बताए, 7 परिवारवाद मोदी जी बोलते हैं अखिलेश जी को, ये इनके सौरभ श्रीवास्तव, इनकी माता जी हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, ये परिवार नहीं है, कुछ नहीं, एकदम चिरकुट आदमी है, कहीं कोई काम नहीं किया है, जो काम किए मोदी योगी किए हैं। लेकिन यहाँ जो बेरोजगारी की बात है और कुछ निर्माण की बात है, उद्योग धंधा, महंगाई, सब पर भाजपा फेल है। मतलब ये है कि प्रत्याशी जो खड़े होते हैं उनका भी असर होता है, प्रत्याशी कई बार यहाँ से जीते रहे, परिवारवाद चल रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल पूरा परिवारवाद इनका चल रहा है। इधर भी नीलकंठ तिवारी हैं, काम सारा वो योगी मोदी किए, 700-800 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस बार तो इनका सफाया होगा, बीजेपी हो न हो, मोदी जी के 3-4 सीट सरकेगी महाराज। नीलकंठ, सौरभ और उधर सुरेंद्र पटेल जीतेंगे, और एक अवधेश सिंह, ये 3-4 सीट सरकेगी। हम तो ज़्यादा नहीं है, उदय सिंह हैं, उधम सिंह के चेयरमैन हैं, सेवादार हैं, जो यहाँ 32 बार की सलामी होती है। हम भी मोदी योगी के संग रहे, अभी 1 महीना पहले हम लोग दीदी के संग चले गए। हम सपा के संग नहीं है, लेकिन हम लोग सपा का सपोर्ट कर रहे हैं।
आने वाले समय में हम लोग भी अपना यहाँ 2032 तक 10 साल में दीदी की सरकार तृणमूल टीएमसी की सरकार बनेगी। ये इस बार परिवर्तन हो रहा है महाराज, बहुत है, जनता बना ली है, ठीक है। वो लोग सारा इतना कयानात जुटा है, भीड़ जो दिख रही है वो कोई बता नहीं रहा, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई से खुल के बोलने वाला नहीं है, पति बता रहा, पत्नी नहीं बता रही उनके संग। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग मीडिया के हैं, परिवर्तन होगा महाराज। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ठीक है। काशी धाम बना है, ठीक है, लेकिन आगे औरंगाबाद देखिए, कमलापति मुख्यमंत्री रहे, वो सड़क बनी है महाराज। ये काशी धाम भी बना अच्छा है, इसके विरोध में नहीं है, लेकिन जो 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 सोनिया उनिया सब खोजवा उजवा सब है, कहीं नहीं कुछ बना। 1 किलोमीटर खाली विश्वनाथ धाम बना है, आए उसके अलावा कहीं नहीं बना। और विश्वनाथ धाम बना के ये जो पहले जो काशी की प्राचीन सनातन जो संस्कृति सभ्यता देवत था उसको समाप्त करके इन्होंने एक टूरिज्म का कयानात तैयार किया है। तो यह हमारा देवत चला गया, पहले गलियों में उसमें जो प्राचीनता थी सनातनता थी वो कहाँ चली गई, उसको हटा के अगर आपने बहुत पर्यटन बनाया है तो हम इसको विकास नहीं समझते। काशी का सनातन प्राचीन पद्धति है, यहाँ कोई पर्यटन इसको विकास करके काशी को आप काशी में देखोगे कि पर्यटन बना के देखोगे। तो इसलिए महाराज भयंकर परिवर्तन होगा, अगर 22 में योगी जी सरके तो 24 में मोदी जी भी सरकेंगे, ये हमारा पूरा दावा है। हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए। कारण रह रहा विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर बन गया, उसके पहले लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने आते रहे, अब अगर किसी से पूछिए, हमारे रिश्तेदार आए हमको क्या, अरे काशी कॉरिडोर बहुत बढ़िया बना है, लोग काशी कॉरिडोर की बात करते हैं, अब वो देवत्व की बात नहीं करते कि हम दर्शन किए बाबा का मत्था टेके, वो बात खत्म हो गई महाराज, एकदम समाप्त हो गई। काशी टोर बना अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन वो देवत्व खत्म हो गया। कारण हो रहा है कि जो दर्शन नहीं कर पा रहे, दर्शन कौन दर्शन नहीं के, दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन दर्शन कर पा रहे नहीं। अब आदमी का भाव भंगिमा बदल गया, जो आदमी पहले आते रहे दर्शन के नियत से आते रहे, अब काशी कॉरिडोर देखने के नियत से आ रहे हैं। तो जिस नियत से हम बोलेंगे वही ना नियत हमको दिखाई पड़ेगी, जैसा आँख रहेगा जैसा चश्मा लगाएंगे और सही दिखाए। अब लोग मोदी जी बना दिए इसको काशी कॉरिडोर बना के पूरा इंडिया पूरा विश्व के ये नेता बन गए, इसको दिखा के पूरा पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा गोवा सब पूरा साम्राज्य जीतना चाहते हैं, ये नहीं होगा महाराज। औरंगजेब से बड़े ये मोदी जी, हमको लगता है औरंगजेब से ज़्यादा ये तानाशाह डिक्टेटर है, डिक्टेटर डेमोक्रेसी संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं, पुरानी संस्कृति को जिंदा करना है। काशी को काशी चूरे बात सुनो यार, बिलो पुन भी बोल, जो काशी का मंदिर है वो बनेगा नहीं तो कैसे होगा, देखो अरे यार बीच है ऐसे बोलोगे, शांत रहो क्यों शांत रहे, अरे लो ऐसे बोलो तो बोलो वन अपनी बात बोलोगे ना, हमें इन्हीं से पूछ लो, एक सबसे बात बोलो यार, इसे बोलने का सभ्यता सीखो कि जबरी ऐसे बोलाओगे। देखिए ये इन लोग की है, फालतू क्या है, लोकतंत्र है फालतू है। देखिए महाराज सच्चाई बात बोलना, अपोजिट के यार लोग खड़े हैं कोई बोल नहीं पाता, हमने हिम्मत किया बोलने का, तय करे फालतू, लोकतंत्र बोलने का अधिकार है। काशी को इन्होंने प्राचीनता को सनातनता को खत्म कर दिया है, वो काशी जो देवत थी जो वहाँ पर मंदिरें थी जो इतना सया था 300-350 मकान तोड़ किया, आज देखो ना लक्षागुड़ा औरंगाबाद सोनिया पूरा घूमो, कहाँ सड़क बना है कहाँ गड्ढा बना है, कहीं कुछ नहीं है, ये बना 1 किलोमीटर गिरजाघर के आगे चलो हम दिखाएं, गिरजाघर के आगे चलो दिखाएं, देखो अब ऐसे यार बोलो ना अपनी बात, आपको बोलेंगे मौका देगा, ऐसे डिक्टेटर देखिए लो काशी में। जब ये बात है बाबूजी कि क्यों आए हैं वैसे लोग, मत यार काशी पंद्रह साल में जितना काम हो गया है उतना अभी तक मैंने किसी सरकार में काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सौरभ श्रीवास्तव जी हमेशा ही यहाँ जीते रहे 15 साल, क्या कितने साल से जीत रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो काम अभी ये हुआ है कहाँ से आए, हम बनारस से ही हैं, प्रॉपर बनारस से, जितना 10 साल में काम हुआ उतना मोदी के अलावा और कोई नहीं आएगा। अरे ये आएगा नहीं आएगा ये हम थोड़ी पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे मुद्दे क्या है आपके, मुद्दे हमारा विकास का है, विकास खूब हो रहा है यहाँ पे, विकास बहुत हो रहा है मोदी की वजह से। हम लोग अमेठी से आ रहे हैं, अमेठी से आए तो आपसे क्या बात करें, अभी वोटिंग है जिसका पटा उससे बात कर लेते हैं। अरे
आप जिसको मन चाहे उसको दीजिए, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो विकास अगर व्यक्त कर रहा सामने वाला तो उससे आपको क्या आपत्ति है? विश्वनाथ जी कॉरिडोर बना हुआ है, इतने सालों से पड़ा था, उसकी कोई सिस्टम नहीं था है। आज जब मोदी जी ने जब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसके लिए थोड़ा सा जमीन की जरूरत पड़ता है, और जाहिर सी बात है जिसको उसको जिसका लिया गया है, विकास होता है तो विकास के लिए थोड़ा जगह कम पड़ता है तो उसके लिए जगह लिया जाता है, तो फोकट में तो न लिया है। अब जिसका मकान में जहाँ कोई पूछ नहीं था, एक साइकिल तक नहीं जा रहा था, उसको जो है मोदी जी ने खरीदा, खरीद के उसको उसको मन मुताबिक पैसा दिया है। ऐसा नहीं कि फोकट में खरीद लिया, जबरदस्ती लाठी के दम पे निकाला है, तो उसके लिए विकास हुआ। आज कॉरिडोर देखिए, आज पूरे वर्ल्ड में कहा पूरे वर्ल्ड में पूरा चर्चित है वो। और रही बात दर्शन पूजा की, तो चर्चित रहेगी ये तो बात, तो सुनिए हमारे बाबा का श्रृंगार हुआ है, इससे बड़ा हम कोई बात नहीं बोलेंगे, इतने सालों तक किसी का ध्यान नहीं गया था। और रही बात दर्शन, दर्शन उसी हिसाब से हो रहा है जिस हिसाब से सब दर्शन करना चाहते हैं। पहले भी दर्शन होता था, आज भी दर्शन हो रहा है, और जितना मस्ती से आज दर्शन हो रहा है उतना मस्ती से पहले नहीं होता था। कैसे दर्शन हो रहा है? मस्ती का क्या मतलब कि लोग जाते थे 300 रुपए का प्रसाद खरीदना, नहीं कोई 300, ये जितनी श्रद्धा उतना भक्ति का अलग से पैसा। वो तो देखिये सबका एक अपना इमरजेंसी होता है, जिसको जल्दी है वो कोने तरह से जाके भी, नहीं VIP लोगों के लिए इसमें हो गया है। बिजनेस तो वैसे भी पहले भी नहीं था, वैसे अब भी नहीं है, कोई नया कार्य नहीं है, जिसका चल रहा है उसका बढ़िया, जिसका नहीं चल रहा उसके लिए तो सब सरकारें बेकार है। अब यह पैसा खर्चा करे, अब ये कि VIP लोग आ रहे बाहर से आ रहे, दर्शन करने में पैसा खर्च करना, नहीं कुछ नहीं उनके लिए पैसा खर्च करने देखिए लाइन में लगे। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस आज शाम को 7 बजे के बाद पता चल जाएगा किसकी क्या पोजीशन थी, किसकी क्या पोजीशन थी, आज शाम को पता चल जाएगा। रही बात दर्शन पूजा में, कोई दिक्कत ना पहले था ना अब था, लेकिन हाँ भीड़ जाने के वजह से, क्योंकि मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य किया उसके वजह से भीड़ बनारस में ज़्यादा आने लगा, जिसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है दर्शन पूजा के लिए। ये नहीं कि सिप्पो पकड़ के खींच ले, भैया दर्शन का मतलब होता है हाथ जोड़ के, जो आरती दिखाला नहीं होता है, अरे दर्शन किए पूजा किए अपने घर जाओ। अभी जैसे ये भाई साहब मेरे कह रहे हैं, अंकल जी मेरे कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे पहले क्या था दर्शन पूजा करने को मिलता था, अब क्या है भैया दर्शन पूजा नहीं, वहाँ पर ढकेल के भगाया जा रहा है, जबरदस्ती कोई बात ना करे। और रही बात विकास, विकास पूरे बनारस में दिख रहा है, अब इनके आँख में काला पट्टी पड़ा है तो बात अलग है। 6 घंटा लाइन में खड़े रहिए और ये 300 रुपये दे के 5 मिनट में दर्शन करके चले जाएंगे, इनके लिए ठीक है। गरीब आदमी 10 घंटा 8 घंटा लगेगा, और ये 300 देंगे तुरंत आपसे 5 मिनट पाए, वो पैसों वालों के लिए हो गया है, गरीबों के लिए नहीं हुआ। अभी बिजनेस को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, बिजनेस को बढ़ावा नहीं दिया गया, बिजनेस को बढ़ावा नहीं दिया गया। अब जैसे आपकी मर्जी, आप पैसा दे के, उसका लाइन VIP लाइन अलग है, VIP लाइन अलग है, दर्शनार्थियों का लाइन अलग है। आप पैसा मत दीजिए, आप भी हमारे साथ गरीब आदमी है, अगर ये गरीब आदमी जा रहा है 8 घंटा खड़ा है तो आप भैया सब जगह अपने देखिए बात उनकी, अगर ये गरीब आदमी जा रहा है 8 घंटा लाइन में खड़ा है, आप भी जाइए पैसा मत दीजिए, 8 घंटा खड़ा होइए तब दर्शन कीजिए, तब ना आपको माने। वो 8 घंटा खड़ा आप 300 दे के दर्शन करके चले गए 5 मिनट में, समय है भाई, बस देख लीजिए समय रहेगा। कुछ लोगों के लिए विश्वनाथ मंदिर जो है आँख में गड़ रहा है, कैसे बन गया इनके राज में, और मंदिर तो पहले ही बना था, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना दिया है। हाँ तो ये आँख में गड़ने वाली बात है, बनारस घूमे हैं, लोग कहीं नहीं घूमे, ना हरिद्वार घूमे ना मथुरा घूमे, इससे ज्यादा क्राउड है, हम घूमे हुए हैं, समझे ना, यहाँ जो करे पैसा बनारस। देखिए समय, हाँ समय महत्वपूर्ण आपके लिए, क्या समझे आप, अगर समय है तो आप 10 घंटा लाइन लगाइए। वैष्णो देवी सुनिए, वैष्णो देवी 3-3 दिन लाइन लगता है ना। ये बताइए, बनारस की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ पे क्या कुछ बदला? बहुत कुछ बदला है, ये सुनिए सुनिए, मंदिर कॉरिडोर को छोड़ दिया जाए उसके बाद बनारस पूरे ग्रामीण इलाकों में क्या कुछ बदला है? जाएंगे तब ना भैया, नहीं आप जाएंगे तब, गाँव की बात साथ चलिए, मैं यहाँ गाइड भी हूँ, लोकल गाइड भी हूँ मैं, मेरे साथ चलिए, मैं आपको गली दिखा रहा हूँ, सुनिए गली गाँव सब दिखाऊंगा आपको। रोड पहले विरल आज विरल, नहीं रोड पहले भी था, आपको सही नहीं है, रोड भी वही है, बाकी गांव में क्या कुछ बदला है? सब बदला है, करो की समस्याएं क्या बदली है? रोड गली नहीं, गांव के बाद बदला, लोगों की सोच बदल गई है। अरे सोच छोड़िए, क्या बदला है? सबसे ज्यादा सोच है, देखिए सबसे ज्यादा सोच है, सोच गंदा है, सब गंदा है, स्मार्ट सिटी हो गया। माइक को इधर उधर मत कीजिए, मैं पागल हूँ, बदला तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर वोटिंग पड़ रही है और लोगों से जान रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है। फिलहाल एक समय था जब लोग उत्तर प्रदेश में योगी मोदी के खिलाफ कोई बोलने से डरता था, लेकिन आज ये हकीकत हो गई है, इस चुनाव में देख रहे हैं कि विरोध के स्वर भी कहीं ना कहीं उठते हैं। और ये बनारस है
मंदिर के पास है जहाँ पर वोटिंग हो रही है और यहाँ पर लोगों से जान रहे हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ लोग कह रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।